Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello friends, welcome to my YouTube channel Baby Health Guide. This is Bhavya here. तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गर्मी के मौसम में कैसे आप अपने शिशु को ठंडा रख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जब गर्मी लगती है तो वो मुंह से बोल भी नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने बच्चे को इस गर्मी में ठंडा रख सकते हैं। गर्मी की शुरुआत के साथ इन सरल नुस्खों से आपको अपने बच्चे को ठंडा और आराम से रखने में मदद मिलेगी। नंबर वन, अपने शिशु को उचित कपड़े पहनाएं। आपके शिशु के कपड़े उसे ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। शिशु को ठंडक देने वाले सूती कपड़े पहनाएं। सिंथेटिक कपड़े इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि वे गर्माहट को अंदर ही रोकते हैं और बच्चे के लिए बहुत तकलीफ देह हो सकते हैं। इनके कारण घमोरिया भी हो सकता है। धूप में बाहर निकलते समय शिशु के लिए लंबी बाजू के हल्के कपड़े चुने। शिशु को धूप से बचाने के लिए टोपी या हैट पहना सकते हैं, मगर सुनिश्चित करें कि वह चौड़ी रिम वाली टोपी है और आराम से फिट होती है। इलास्टिक पट्टी के सपोर्ट वाली हैट ना पहनाएं, क्योंकि वह तंग हो सकती है और इनसे रक्त परिसंचारण पर दबाव पड़ सकता है। नंबर टू, चरम गर्मी के समय घर के अंदर रहें। दिन में जब गर्मी का असर सबसे ज्यादा हो, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, तब घर के अंदर ही रहना बेहतर है। अगर आपको धूप में निकलना ही पड़े तो सुनिश्चित कीजिए कि आपका बच्चा सही प्रकार से धूप से सुरक्षित है। अपने बच्चे को सुबह सुबह या शाम को देर से सैर के लिए ले जाएं। शिशु की प्रैम या बग्गी से अतिरिक्त गद्दियों को हटा दीजिए, क्योंकि वह बहुत गर्म हो सकती है। आप प्रैम में एक सूती चादर भी बिछा सकती हैं। प्रैम के सिंथेटिक आवरण की तुलना में सूती चादर पर लेटने से शिशु को कम गर्मी लगेगी। नंबर थ्री, सही किस्म की नैपी या लंगोट चुनें। सूती नैपियों की तुलना में डिस्पोजेबल नैपियां अथवा डायपर शिशु को अधिक गर्म रखते हैं। डायपर की सिंथेटिक कमर पट्टी की वजह से शिशु को घमोरिया हो सकती है, क्योंकि पसीना कमर पट्टी के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। कपड़े की नैपियां शिशु के लिए ज्यादा आरामदायक हो सकती है। ये गर्मी और डिस्पोजेबल नैपी पहनने से होने वाले ददोदरों से भी बचाएगी। अगर आपको डायपर पहनाना ही पड़े तो शिशु को ठंडे वातावरण में रखें और तापमान के अनुसार उचित कपड़े पहनाएं। नंबर फोर, शिशु को जल नियोजित रखें। अगर आपके शिशु की उम्र 6 महीने से कम है और आप उसे केवल स्तनपान करवा रही हैं, तो उसे अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं है, गर्मी के मौसम में भी नहीं। वे शिशु जो अपनी इच्छा अनुसार स्तनपान करते रहते हैं, उन्हें निर्जलीकरण का खतरा नहीं होता। गर्म मौसम में हो सकता है आपका शिशु थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज्यादा बार स्तनपान करना चाहे। आपके स्तन के दूध से उसे पर्याप्त तरल मिल जाएगा। इस तरह थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध पीने से उसे अतिरिक्त अग्रदूध मिल भी जाता है। ये बाद में आने वाले वसा समृद्ध दूध से ज्यादा पतला और अधिक तरोताजा बनाने वाला होता है, इसलिए अपने बच्चे को जब वह चाहे तब स्तनपान करने दे। डिब्बे वाला दूध पीने वाले बच्चों को गर्म मौसम में कुछ उबला हुआ ठंडा पानी दिया जा सकता है। ठोस आहार खाने वाले थोड़े बड़े शिशुओं को लस्सी, मिल्कशेक, फलों का ताजा रस और नारियल पानी दिया जा सकता है। ये स्वादिष्ट और तरोताजा करने वाले विकल्प हैं। नंबर फाइव, मालिश के तेल के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। गर्मी के महीनों में मालिश के तेल का कम इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अगर शिशु के शरीर से तेल सही तरीके से ना धोया गया हो तो शिशु को घमोरिया या त्वचा में जलन और बेचैनी हो सकती है। बहरहाल, अगर आप गर्मियों में भी बच्चे की मालिश करना चाहती हैं, तो उसे बिना तेल की सूखी मालिश कर सकती हैं। अगर फिर भी आप तेल इस्तेमाल करना चाहे तो ठंडक देने वाले तेल जैसे जैतून या नारियल के तेल को अपनाएं। सुनिश्चित करें कि शिशु को नहलाते समय सारा तेल शिशु की त्वचा से धुल गया है। गर्मियों में लोशन और क्रीम भी शिशु की त्वचा में जलन और खारिश पैदा कर सकती है, मगर धूप में बाहर जाते समय अपने बच्चे को आपके डॉक्टर द्वारा बताया गया सनस्क्रीन अवश्य लगाएं।
यह सनस्क्रीन सूरज की हानिकारक किरणों से शिशु की रक्षा करेगी। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना गर्मी के दौरान कैसे हम अपने नवजात शिशु को ठंडा रख सकते हैं। ऐसी ही और हेल्दी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें बेबी हेल्थ गाइड चैनल को। अब आप हमारी प्रेगनेंसी और न्यू बॉर्न बेबी की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। थैंक यू।